अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में या वर्किंग लेडीज के दिमाग में ये चलने लगा कि वेदर इस्लाम परमिट्स टू डू जॉब और नॉट, तो उसका भी जवाब मुख्तसर में देके यहाँ से हटेंगे कि इस्लाम काम करने की इजाजत देता है घर से बाहर की कि नहीं। पहली शर्त सुन लीजिए, हुदूद शरीयत में रहना होगा, जो काम करना होगा वो हलाल के हद में होना चाहिए, वो कोई इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड, गैम्बलिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए और जिस्म की नुमाइश नहीं होना चाहिए। ये सारा जो काम हो वो हलाल की हद में हो, जिस तरह से करे वो जायज की हद में हो, तो फिर कर सकते हैं। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक बहुत बड़ी बिजनेस लेडी थी, बहुत बड़ा तिजारत का उनका काम था। उसके अलावा उम्मुल मोमिनीन सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा वो दबागत किया करती थी चमड़े की, वो एक माहिर दस्तकारा थी। आज उसको लेदर टेक्नोलॉजी नाम से जानते हैं मॉडर्न डे टर्मिनोलॉजी में। उसके अलावा हौला मलिका सकफिया और बिन्त फखरिया रदिल्लाहु अन्हुन्ना इत्र की तिजारत किया करती थी। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजील्ला की बीवी जैनब रजील्ला वो हैंडीक्राफ्ट करके अपने शोहर और बच्चों का खर्च उठाया करती थी और मदीना में अंसारी खवातीन काश्तकारी का भी काम करती थी। लेकिन ये तमाम खवातीन हुदूद शरीयत में रह के जॉब करती थी, शरीयत से कदम बाहर नहीं निकालती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पास काफी नमूने मौजूद हैं जिसे देखकर हम इस दुनिया की भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आखिरत की भी। तो ये अल्लाह ताला का फजल करम है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें मुस्लिमात मोमिनात बनाया है और हमारी ऐसी उम्दा और ग्लोरियस हिस्ट्री है, ऐसी ऐसी खवातीन मौजूद हैं जिनको देखकर हम इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाब हो सकते हैं। कहने के लिए और भी बहुत कुछ दिल कर रहा है मगर वक्त इजाजत नहीं देता, वक्त के साथ खयानत नहीं करूंगी। बस इसके साथ ही इस उम्मीद के साथ कि आप बहने जो कुछ सुना है उस पर अमल करने की कोशिश करेंगी, आपसे रुख्सत होंगे। कुरान हकीम की एक आयत के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 124 में, वमन यअमल मिनस्सालिहात मिन ज़िकरिन औ उन्था وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا। जो भी नेक अमल करेगा, मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो ऐसे सभी लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा और उनका जरा बराबर हक जाया ना होगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।